कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग प्रमेय का आगे का चिकित्सा पढ़ेंगे और समझेंगे और एनालिसिस करेंगे कि कफ पित्त संप्राप्ति वाला जो प्रमेय रहता है, जिसमें रोगी स्थूल रहता है, बलवान रहता है, उसमें हम लोग संतर्पण चिकित्सा कैसे करते हैं, शोधन चिकित्सा कैसे करते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। और कफ पित्त प्रमेय ही ये जो हमारे पास कॉमनली पेशेंट पाए जाते हैं, जो संतर्पण जन्य रहते हैं, उनकी चिकित्सा कैसे करना चाहिए, उसमें क्या क्या कार्य अपने आचार्यों ने बताया, वह जानना बहुत जरूरी है। और वातज प्रमेह जो रहता है, उसकी चिकित्सा में ब्रीहण चिकित्सा और संशमन चिकित्सा किस तरह से किया जाता है, यह बेसिक प्रिंसिपल है आयुर्वेद का। इसको अगर हम लोग फॉलो करते हैं तो कोई बड़ा से बड़ा प्रमेह ही रोगी को हम लोग मैनेज कर सकते हैं। केवल शुगर लेवल कम करना, HbA1c कम करना ही आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं होती है, वह तो मॉडर्न साइंस कर रहे हैं, वो इंसुलिन दे देते हैं या फिर एलोपैथी के बहुत सारे ड्रग्स देते हैं, शुगर लेवल कम कर देते हैं, लेकिन उससे संप्राप्ति भंग नहीं होती है। आयुर्वेद की चिकित्सा से संप्राप्ति भी भंग होती है और व्याधि को काफी हद तक हम लोग रोक के रख सकते हैं, जैसे कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, इन सबको, गैंग्रीन, इन सबको हम लोग हील कर सकते हैं। और फिर हम संप्राप्ति को भंग करके पेशेंट का कंडीशन जो डेटोरिएट हो रहा होता है, मतलब खराब से खराब हो रहा होता है और पेशेंट असाध्यावस्था में जा रहे हैं, उससे हम लोग काफी हद तक बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कल जैसे ही मेरा सेशन हुआ, मुझे बहुत सारे डॉक्टर्स लोगों का फोन आया कि डॉक्टर साहब, सर हम लोग जो मधुमेह के रोगी हैं, इनको हम लोग ज्वाइंट पेन वगैरह हो रहा है, तो हम लोग तेल का बस्ती दे सकते हैं? तो मैंने कहा हाँ दे सकते हैं। वो बोलते हैं कि प्रमेह में तो बोला है अनुवासन बस्ती नहीं देना है। तो वह मैंने उनको अच्छे से समझाया कि जब कफ पित्त संप्राप्ति रहती है, जहाँ पे क्लेद बहुत ज्यादा रहता है, कफ रहता है, मेद धातु की दुष्टि रहती है, बद्ध बद्ध मेद रहता है, और कफ का स्निग्ध गुण बढ़ा है, द्रव गुण बढ़ा है, सर गुण बढ़ा है, वहां पर तेल नहीं बोला है। लेकिन जहां पर वात संप्राप्ति है, जो कि मधुमेह की अवस्था है, धातु क्षयात्मक संप्राप्ति है, धातुओं को पोषण नहीं मिल रहा है, धातुओं की रुक्षता बढ़ गई है, धातुओं की शिथिलता बढ़ गई है, तो वहां पर तो हमें तेल देना ही है। अगर वो नहीं देंगे तो वायु का प्रकोप होगा और धातु का क्षय ज्यादा बढ़ेगा और वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है, आंखें ड्राई होने लगती है, आंखों में जो ऑप्टिक नर्व है उसमें नरिशमेंट नहीं मिल पाता है, रेटिना जो है वो ड्राई होने लगता है और आंखें सूखने लगती है। हम लोग इंसुलिन देते हैं, जो अब आप लोग देखेंगे मॉडर्न साइंस में भी बताया जाता है कि ब्रेन को कंटिन्यू ग्लूकोज चाहिए। अगर आपने इंसुलिन देना ज्यादा दे दिया तो उससे क्या होगा कि ब्रेन को भी नरिशमेंट नहीं मिलेगा और उसके वजह से ड्यू टू इंसुलिन भी साइड इफेक्ट बहुत सारा होता है। अगर हमने इंसुलिन ज्यादा दे दिया बॉडी को, अभी हम लोग ग्लूकोमीटर से चेक कराते हैं लेकिन अप डाउन तो होते रहता है, किसी ने बहुत ज्यादा मेहनत किया तो शुगर लेवल कम हो जाता है, किसी ने मेहनत नहीं किया घर में बैठे रहते हैं तो शुगर लेवल ज्यादा हो सकता है। तो अपने डेली जो एक्टिविटी है उस पर भी शुगर लेवल डिपेंड करता है, बहुत ज्यादा मसल्स कितना कंज्यूम कर रहे हैं शुगर को उस पर भी डिपेंड करता है। तो आप केवल इंसुलिन मशीन की तरह अगर आप देखेंगे कि इंसुलिन बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना देना है कितना नहीं देना है, लेकिन आइस को भी ग्लूकोज चाहिए और वो ग्लूकोज फॉर्म में ही चाहिए आइस को नरिशमेंट। उसी तरह से अपने कान को, अंदर के जो ब्रेन के जितने भी फंक्शन है, उसको डायरेक्ट ग्लूकोज चाहिए और आप इंसुलिन देके उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि फिर आंखें ड्राई होने लगेंगी, और फिर उसके बाद में कान के जो ऑडिटरी नर्व है वो सूखने लगेंगी, ब्रेन के सेल्स सूखने लगेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम करें तो क्या करें, इसलिए आयुर्वेद की दृष्टि से हम लोग करते हैं तो हम लोग स्नेहन करते हैं, हम लोग जैसे अनुवासन वस्ती देते हैं, नस्य देते हैं, तो इससे क्या होता है कि संप्राप्ति होती है, धातु क्षय जो हो रहा है, धातुओं का जो क्षय हो रहा है। यहाँ पे मुझे इंसुलिन ग्लूकोज करके क्यों बताना था कि जहां पर धातु क्षय हो रहा है, वायु का प्रकोप हो रहा है, धातुओं को नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, तो वहां पर स्नेहन कर जब देते हैं तो संप्राप्ति जो रहती है वह एक ऑप्टिमल लेवल, मतलब एक बैलेंस लेवल तक चलती है, साम्य अवस्था में चलती है और डेटोरिएट नहीं होता है कंडीशन, कि आंखों को दिखना कम हो गया है, कोई चीज ऐसे पूरा ये चीज ना नेक्रोस्ड हो गया है, सूख गया है या सड़ गया है, ऐसा नहीं होता है। अब सड़न हो रही है, क्लेद बहुत ज्यादा है और नेक्रोस्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि वहां पे पोषण नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए ना यहाँ पे हमें घृत कल्पना, जैसे धन्वंतर घृत है, हम लोग घृत खाने के लिए देते हैं वात संप्राप्ति को भंग करने के लिए, धातु क्षयात्मक संप्राप्ति को भंग करने के लिए हमें स्नेह देना ही पड़ता है, और वो भी आमावस्था को देखे कि आम पच गया है, निरामावस्था आ गई है, तब हमें देना पड़ता है। यही चीज को मैं विस्तार से शास्त्रीय भाषा में बताऊंगा। जब इन्होंने चरक संहिता में चिकित्सा स्थान में जब बताया है कि क्लेदस्य मेदस्य कफस्य वृद्धः प्रमेय हेतु प्रसमीक्ष्य तस्मात् वैद्येन पूर्वं कफ पित्त जेषु मेहेषु कार्याण पतर्पणानि। इसका मतलब यह है कि कफ और पित्त प्रधान जो प्रमेय है, 10 प्रकार के कफज प्रमेय है और 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय है, तो इसमें उष्ण लेखन करने वाले द्रव्य, क्योंकि कफ का लेखन करना है, उष्ण द्रव्य इसलिए देने क्योंकि हमें कफ को शमन करना है, क्लेद को निकालना है,
मेद को बैलेंस अवस्था में लाना है, और अपतर्पण चिकित्सा ये करनी होती है। चरक जी ने ऐसा बताया कि जो बलवान और स्थूल रोगी हैं उनको हमें शुरू में शोधन करना चाहिए। तो शोधन करने के लिए सबसे अच्छा है कि कफ की चिकित्सा क्या है, तो वमन है, तो और पित्त की चिकित्सा क्या है, तो विरेचन है, या फिर हमें कफ पूरा शरीर को ओवरऑल देखे तो वमन और विरेचन, ये दोनों का हमें योजना करनी चाहिए। आप लोगों ने को मालूम होगा कि पुणे में बहुत ऐसे रिसर्चेस हुए कि पेशेंट का फास्टिंग और पीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता था, और इंसुलिन लेने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था, तब पेशेंट को वमन प्लान किया गया, स्नेहन करके अभ्यंतर स्नेहपान कराया गया, स्नेहन शोधन करके और फिर वमन कराया गया। वमन कराने के बाद ना शुगर लेवल नॉर्मल आ गया, और उसके बाद में उनको मैनेज करना ज्यादा इजी हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे जो आयुर्वेद में बताया है कि स्थूल प्रमेह ही, और फिर स्थूल प्रमेह ही और बलवान प्रमेह ही, इनको ना हमें शोधन देना ही पड़ता है। तो शुरुआत में ऐसे बोल रहे हैं कि स्नेहन देने से क्या होता है, स्नेहन देके दोषों की विकृति को हम लोग जो शाखा की तरफ जा रही है उसको हम लोग कोष्ठकर लाते हैं, और कोष्ठ में सारे दोषों को लाके फिर वमन कराना से वो क्या होता है कि बैलेंस अवस्था आ जाती है, जहाँ ज्यादा दोष दुष्ट समूर्छना नहीं होती है, और ख वैगुण्यताओं के दोषों का संचय भी नहीं होता है। इसीलिए वमन कराने के लिए क्या बताया, तो मदन फल बताया है, शुंठी बताया है, बच्चा बताया है, कुटकी बताया है, पिपली बताया है, आदि द्रव्यों का प्रयोग वमन के लिए करना है। मदन फल, शुंठी, बचा, कुटकी, पिपली आदि द्रव्यों का वमन के लिए प्रयोग करने के लिए बताया है। मदन फल जो है वो श्रेष्ठ वामक द्रव्य है, और यहाँ प्रमेह रोगी को देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। लेकिन यहाँ इंडिकेशन ये है कि वातज और कृष प्रमेह और दुर्बल रोगी है उसको हम लोग नहीं देना है। कुरुष और बलवान है उनको हम दे सकते हैं, जो दुबला पतला है लेकिन अंदर से ताकत है उसको हम दे सकते हैं, लेकिन और जो स्थूल है और दुर्बल है उसको भी हम देने से थोड़ा अवॉइड करते हैं, कि दुर्बलता बल रहना चाहिए, क्योंकि वमन एक प्रोसेस जो है ना इसमें बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। उसी तरह से आकंठ जलपान के लिए वमनोपक द्रव्य देते हैं, तो यष्टि मधु देते हैं हम लोग, यष्टि मधु जल और लवण का प्रयोग करते हैं, तो ये करके फिर वामक द्रव्य देते हैं, तो अच्छे से शोधन हो जाता है। उसके बाद में वमन करके संसर्जन क्रम किया जाता है, संसर्जन क्रम करने के बाद में स्नेहन शोधन फिर से कराते हैं, और उसके बाद में जिस तरह से विधि बताया है पंचकर्म का उस हिसाब से हम लोग विरेचन का प्लान करते हैं। फिर विरेचन के लिए हम लोग तीक्ष्ण विरेचन नहीं देके मृदु विरेचन कराते हैं, क्योंकि वायु का प्रकोप नहीं होना चाहिए, यह हमें ध्यान में रखना है। तो इसके लिए मृदु विरेचन के लिए हम प्रमेह के रोगी को क्या देते हैं, तो गंधर्व हरित की, एरंड हरित की देते हैं, आरगवत देते हैं, द्राक्षा का प्रयोग करते हैं, निशोत्तर आदि का प्रयोग करते हैं। यह कफ पित्तज है, कफ पित्तज प्रमेही रोगी के लिए चिकित्सा में बता रहा हूँ। और इसी तरह से हमें जब ये सब हो जाता है उसके बाद में हमें वायु का शमन करना है, तो हम लोग दशमूल काढ़े का भी बस्ती दे देते हैं, तो अनुवासन बस्ती, आस्थापन बस्ती से भी पेशेंट को काफी रिलीफ मिल जाता है। इसी तरह से चरकाचार्य जी ने 10 क्वाथ बताए हैं जो प्रमेही कफ पित्तज प्रमेही को देने से, जैसे कि आलाल में है, सिकता में है, इक्षुवालिका में है, शनैर में है, अलग अलग जो शुक्र में ही है, ओजो में है, ये जो कफज प्रमेह है इनको अगर हम लोग देते हैं काढ़े, इनमें से एक चूज करके दीजिए जो जो अवेलेबल है, तो पेशेंट को काफी हद तक फायदा हो जाता है संप्राप्ति भंग होके, उसकी कफ की जो संप्राप्ति घटित हुई है कफ की वजह से, और मेद और क्लेद की वजह से जो जलीय धातु सारे दूष्य हैं और एक तरह से बाढ़ आ गया है शरीर में, वह पूरी तरह से शमन हो जाता है और पेशेंट को काफी हद तक रिलीफ मिलता है। तो इसके लिए हरितकी का प्रयोग करते हैं। पहला काढ़ा है हरितकी कटफल मुस्तालुद्र, दूसरा है पाठा विडंग अर्जुन त्वक और रक्त धमासा, तीसरा है हरिद्रा दारु हरिद्रा तगर और विडंग, चौथा है कदम्ब साग सागवान जो रहता है अर्जुन त्वक अजवाइन, पांचवा है दारु हरिद्रा विडंग और धावड़ा, छठवा है देवदार कोष्ठ अगरु चंदन, सातवा है दारु हरिद्रा अग्निमंत हरितकी आम्लकी पाठा, आठवा है पाठा मुरवा गोक्षुर, उसके बाद में अजवाइन उशीर हरितकी और गुड़ुची, उसके बाद में 10वां है चवक चित्रक सप्तपर्णी, और ये जो है ये सारे चीज जो है ना ये निघंटु रत्नाकर के मैं बता रहा हूँ, चव्य चित्रक हरित की समवर्णी। इसी तरह से पित्तज प्रमेह में भी 10 काढ़े बताए हैं, पित्तज प्रमेह में निघंटु रत्नाकर और चरक में जो है वो कॉमन है जो मैंने अभी बता दिए। अब पित्तज प्रमेह के लिए क्या बताए, तो सारे पित्त शामक द्रव्य आप लोग देखिए, जैसे उशीर है पित्त शामक है, पित्त शामक भी हर कफ पे भी काम करेगा, लोद्र है, रसांजन है, चंदन है, फिर दूसरा है उशीर मुस्ता आमलकी अभया, अभया मतलब हरित की, तीसरा है पटोल नीम आमलकी गुड़ुची, चौथा है मुस्ता हरित की पद्मकाश कुटस्त्वक, पांचवा है लोद्र उशीर अगरु धात की, छठवा है नीम अर्जुन नीम नीलकमल हरिद्रा, सातवा है शीर्ष अर्जुन नागकेशर
सर्ज वृक्षत्वक, उसके बाद में आठवां है प्रियंगु उत्पल उत्पल पलाश, नौवां है अश्वत्थत्वक, अश्वत्थ मतलब पीपल का जो छाल होता है वह लेना है, पाठा असन अमल वेसन, दसवां है दारु हृदय नीलकमल मुस्ता। तो ये सब जब हम लेते हैं तो कफज और पित्तज प्रमेय में बहुत ज्यादा उपयोगी पड़ता है। इसी तरह से कफज प्रमेय के लिए हम लोग चंद्रप्रभा का प्रयोग करते हैं, शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, मेघनाद रस का प्रयोग करते हैं, लुद्रासव का प्रयोग करते हैं, देवदार्वारिष्ट का प्रयोग करते हैं। अगर कफज है तो यहाँ पे आप ये बोलेंगे देवदार्वारिष्ट मीठा क्यों दे रहे, कफज प्रमेय मधुमेह नहीं है, या देवदार्वारी क्वाथ का प्रयोग करते हैं। पित्तज प्रमेय है तो वहां पे नेग्रोदादी चूर्ण, मेहांतक रस, स्वर्णमाक्षक योग, इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में है वातज प्रमेह की चिकित्सा। अब ये जो है पहला जो है स्थूल प्रमेह के लिए बताया, और कफ पित्तज प्रमेह उसको ध्यान में रखते हुए शोधन बताया है, और उसके बाद में क्वाथ देके उसको हम शमन कर देते हैं। वातज के लिए जो है वो असाध्य अवस्था रहती है, मतलब इसको चिकित्सा करना थोड़ा मुश्किल रहता है, लेकिन हम मैनेज करके शुगर लेवल मेंटेन रखते हैं और धातु क्षयात्मक संप्राप्ति को हम रोक के रखते हैं। इसमें पूरी तरह से क्योर हो जाएगा ऐसा नहीं है, अगर धातु क्षयात्मक संप्राप्ति भंग होगी तो पेशेंट का वातज वाला भी ठीक हो सकता है, लेकिन वात को जीतना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वायु जो रहता है वह एक एक धातुओं तक एक एक सेल तक चला जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अनुवासन वस्तु भी देना पड़ता है, वह सब मैं अभी बता रहा हूँ। तो इसमें बता रहे हैं कि चरक चिकित्सा स्थान छठवां में क्या बता रहे हैं, यह पेशेंट ठीक नहीं होते, ये एक अनुभव है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, जो लोग अच्छे से डाइट फॉलो करते हैं और चलना फिरना रखते हैं और पंचकर्म कराते हैं वो लोग ठीक भी हो जाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं और वायु का प्रकोप ज्यादा हो जाता है, धातु क्षय ज्यादा हो जाता है, वह असाध्य होते हैं। तो इसको हम एक ऐसा यूनिवर्सल नहीं बोल सकते कि मधुमेह का रोगी ठीक नहीं हुआ, हाँ ठीक है शुगर लेवल उसका बढ़ रहा है, लेकिन बाकी तो संप्राप्ति ठीक है। मधुमेह के रोगी जो हैं वह 100 100 साल तक जीते हैं, उनको कोई कंडीशन कोई तकलीफ नहीं होती है, अगर वो मेंटेन रखते हैं वो सब चीज़ों को, खाने पीने को सब मेंटेन रखते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। और नहीं तो मधुमेह के रोगी तो एलोपैथी का भी ट्रीटमेंट करते हैं तो 30 40 साल में ही उनको डेटोरिएशन होने लगता है, एम्पुटेशन करना पड़ता है, हाथ पैर काटना पड़ता है, गैंग्रीन हो जाता है, डायबिटिक वुंड हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो ये है कि चिकित्सा कितना सफल हो रहा है, पेशेंट कितना पेशेंट फॉलो करता है, कितना आयुर्वेद पे विश्वास करता है, उस पर डिपेंड करता है। तो अब चरक चिकित्सा अध्याय छठवां में बताया कि स्निग्धस्य योगा विविधा प्रयोज्या कल्पोपदिष्टा मल शोधनाय ऊर्ध्वम तथा दश मले पनीते मेहेशु संतर्पण में व कार्यम। इसका मतलब यह है कि वातज रोगी जो है वह अगर बलवान है, और बलवान है लेकिन वो कृश प्रमेही है, तो उसमें हम लोग शोधन दे सकते हैं, तो उसमें ऊर्ध्व शोधन अध शोधन वमन देना चाहिए, अध शोधन देना चाहिए, जैसे विरेचन देना चाहिए, उसके बाद में संतर्पण चिकित्सा देना बहुत जरूरी है। संतर्पण नहीं करेंगे भले वो बलवान है और कुरुष है, या बलवान है और कोई भी है, तो संतर्पण का बहुत ज्यादा महत्व रहता है, और संतर्पण और ब्रह्मण में बहुत भेद है। संतर्पण जो रहता है वो नरिशमेंट करने के लिए होता है, ब्रह्मण जो होता है वो मांस धातु को बढ़ाने के लिए होता है। संतर्पण से केवल उत्साह बढ़ता है, शरीर में तरोताजगी आती है, लेकिन मांस धातु नहीं बढ़ेगा, पेशेंट को अच्छा ही जो बोलते हैं प्लेजरेबल फीलिंग, सूदिंग फीलिंग, ऐसा फीलिंग आता है, पेशेंट को लगता है कि मैं ठीक हो गया हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ। अभी आप लोग को मालूम होगा कि बहुत सारे मधुमेह ही पेशेंट आते हैं हमारे पास, और वो बहुत ज्यादा कुरुष रहते हैं, और लेकिन थकावट बहुत ज्यादा हो रही होती है, तो हम उनको शिवा गुटी का जैसे द्रव्य देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तरोताजगी, या शिलाजत्वादी लौह देते हैं, तो यह क्या है संतर्पक कारक मेडिसिन है, संतर्पण करता है, बल देता है, तो यह, लेकिन उनका मांस धातु नहीं बढ़ेगा, वो मोटे नहीं हो जाएंगे, हेल्दी नहीं होंगे, वो जैसे हैं वैसे ही मेंटेन रहेंगे। उसी तरह से इससे शरीर की थकावट दूर होती है जब संतर्पण चिकित्सा करते हैं, और संतर्पण द्रव्य में थोड़ा सा स्निग्धता रहता है, थोड़ा सा माधुर्यता रहता है, माधुर्यता इसलिए दिया जाता है और थोड़ा सा स्निग्धता इसलिए, घी वगैरह दिया जाता है, घी के साथ द्रव्य, और माधुर्यता इसलिए दिया जाता है कि वायु का शमन करना है हमें, बहुत ज्यादा मीठा नहीं देना है उसमें, हमें थोड़ा वायु का शमन हो, बहुत ज्यादा मीठा न देखे, ग्लूकोज लेवल भी न बढ़े, लेकिन ऐसे द्रव्य जैसे अश्वगंधा दे दिया, शतावरी दे दिया, ये मधुर रसात्मक के लिख में, लेकिन डायरेक्ट शुगर लेवल को नहीं ये बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, तो इस तरह के द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से ब्रिहण द्रव्य जो रहते हैं, जो ब्रिहण करने के लिए खास हैं, वो गुरु रहते हैं बहुत ज्यादा, और स्निग्ध होते हैं बहुत ज्यादा, स्निग्धता भी रहती है, गुरु भी रहता है, पचने के लिए भी हैवी रहता है, तो वह धातुओं का उपचय करते हैं, बहुत ज्यादा पुष्टि देते हैं। तो वह कैसे, जैसे कि अश्वगंधा लेहम, लेह के रूप में जब दिया जाता है, विदार्यादि लेहम, लेकिन मधुमेह में नहीं देना है, अवलेह देंगे तो वो वेट को तो बढ़ाएगा, लेकिन उसके वजह से शुगर लेवल बढ़ेगा, और शुगर लेवल बढ़ेगा तो फिर से वो कंडीशन वैसे है कि वेट लॉस और हो जाएगा, तो संप्राप्ति जो है वो विकृत दिशा में जा सकती है, तो यहाँ पे अवलेह फॉर्म में नहीं दे, लेकिन संतर्पण का मतलब है कि तरोताजगी देना, ताकत देना, फ्रेशनेस लाना,
ये रहता है। ब्रीहन का मतलब रहता है कि मांस धातु को बढ़ाना। ब्रीहन करने के लिए मांस भी हम लोग दे सकते हैं, मधुमेह का रोगी बहुत क्रूश है और तो और उसका अग्नि को प्रदीप्त करके हम लोग मांस का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अजामास रस, अजामास का प्रयोग करा दें, या बकरे का मांस दे दें, वही बकरी का मांस अजामास हो गया, उसी तरह से कुक्कुट का मांस दे दें, उसी तरह से कोई पक्षियों का मांस दे दें, तो इससे ब्रीहन होता है, मांस धातु बढ़ता है। उसी तरह से मध्य संतर्पण के लिए, संतर्पण इसको ध्यान में रखिए, इसके लिए हम लोग सद्य संतर्पण और अभ्यास संतर्पण, ये दो तरह के चिकित्सा बताई है। तो सद्य तर्पण में बहुत सारे मंत्र बताए हैं, तो उसमें अम्ल और मधु द्रव्य जो रहते हैं वो सद्य संतर्पण कारक रहते हैं। अभ्यास संतर्पण के लिए सत्तू का प्रयोग, घृत का प्रयोग, शहद का प्रयोग, ऐसा बताया है। तो वातज प्रमेही जो है उनको संतर्पण अपेक्षित है और अभ्यास संतर्पण भी अपेक्षित है, तो वहां पे हम लोग सत्तू का प्रयोग करते हैं, सत्तू का मंत्र और वह देते हैं, अभ्यास से धीरे धीरे करके हम लोग धीरे धीरे बढ़ाते हैं। और जो सद्य संतर्पक द्रव्य है तो उसमें हम लोग खट्टे चीजें देते हैं, खट्टा बिना चीनी वाला शरबत, या दाड़िम का, या अनार का, ये आमलकी का जूस वगैरह देते हैं, लेकिन शुगर लेवल ना बढ़े, इसको देख के हम लोग मधुमेह का ऐसा संतर्पक कारक द्रव्य देते हैं। उसी तरह से अभी तो बहुत सारे ग्रंथों में ये भी बताए, मतलब हम लोग रक्त पित्त में भी पढ़े हैं कि संतर्पण करने के लिए वहां पे मांसरस को चीनी डाल के, और वह रक्त पित्त में बताया है कि मांसरस को मीठा करके चीनी और शहद डाल के और वह पीने के लिए बताया है। संतर्पण का मतलब है कि वो नरिशमेंट करता है, तरोताजगी देता है, ताकत देता है। अब यहाँ पे मधुमेह के वो हमें संतर्पण देना है तो चीनी का प्रमाण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो मधु को, और मतलब मधु की मधु शर्करा बहुत ज्यादा बढ़ा देगा और पेशेंट का कंडीशन डेटोरेट होगा, इसलिए युक्ति पूर्वक यहाँ पे चिकित्सा करना पड़ता है। प्रमेह के लिए हम लोग को रुक्ष चिकित्सा, कफ के हिसाब से रुक्ष चिकित्सा, लेखन द्रव्य, शीत उष्ण विरह द्रव्य लानी पड़ती है। और वातज प्रमेह में संतर्पक कारक, कफज वाला है स्थूल प्रमेह है, कफ पित्तज है तो वहां पे रुक्ष उष्ण लेखन द्रव्य का प्रयोग करना है, और वातज है तो वहां पे हमें संतर्पक करने वाले द्रव्य का प्रयोग करना है, और ये दोनों उपक्रम करना जो है वह थोड़ा कठिन है, तो इसलिए वातज का चिकित्सा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेन व्याधि तो कफ की है, लेकिन यहाँ पे वात का भी हमें शमन करना है और संतर्पण भी करना है, तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसी तरह से अधिक प्रमाण में अगर लेखन कर दिया हमने तो उससे क्या होगा कि वायु का प्रकोप होगा, धातु क्षयजन्य वात प्रकोप और बढ़ जाएगा, इसीलिए इसमें असाध्यता आने का चांसेस ज्यादा रहता है, असाध्य अवस्था में चला जाता है। और इसी तरह से वातज प्रमेय जो है वो विरुद्धोपक्रम होता है और इसमें असाध्यता अवस्था ज्यादा आती है। कोई भी द्रव्य हम लोग देंगे, जैसे कि आपने कुटकी का दे दिया या त्रिफला दे दिया, अगर ज्यादा मात्रा में दे दिया तो ये क्या करेगा कि लेखन कार्य करेगा, उष्ण द्रव्य ये सब क्या करेगा कि फिर पेशेंट का वायु का प्रकोप कर सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मतलब हम अपने गुरुजी के परंपरा में हम लोग कोई भी चूर्ण वगैरह देते हैं, जैसे गुड़मार दे दिया, गुड़ुची दे दिया, जो भी तिक्त रसात्मक कषाय रसात्मक द्रव्य है उसको घृत के अनुपान के साथ देते हैं, ताकि वायु का प्रकोप ना हो, क्योंकि ये रुक्ष द्रव्य भी जो है ना, ये क्या करते हैं कि भले वो प्रमेह में काम करते हैं लेकिन ज्यादा रुक्षता से वह वायु का प्रकोप कर सकते हैं, धातु क्षय और ज्यादा बढ़ सकता है, इसलिए घृत के साथ देना सबसे सेफ रहता है। इसी तरह से आहार विहार पे नियंत्रण करना, और उसके साथ में कुछ भस्मों का प्रयोग, जैसे ताम्र भस्म, अभ्रक भस्म, लौह भस्म, वंग भस्म आदि का, शिलाजित का प्रयोग किया जाता है, तो ये मर्यादा में हम लोग देते हैं, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा हो जाता है। इसी तरह से आरोग्य वर्धिनी बट्टी जो है वह कफ पित्त प्रमेह में भी काम करता है और फिर वातज प्रमेह में भी काम करता है, और यह क्या करता है, असंहत धातुओं का लेखन कर देता है, धातु शैथिल्यता दूर कर देता है, तो इससे बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से वसंत कुसुमाकर रस, यह हर तरह के प्रमेह में बहुत अच्छा काम करता है, रसकल्प नहीं है इसमें, सोना चांदी वगैरह है, पारागंधक नहीं है। उसी तरह से पुग पाक है, सुपारी पाक जो बोलते हैं, स्वर्णराज वंगेश्वर का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है, अस्नादि अयस्कृति का बहुत प्रयोग रहता है, यह वातज प्रमेय में बहुत ज्यादा उपयोगी रहता है। और भी बहुत सारे द्रव्य हैं, वह मैं कल बताऊंगा आप लोगों को। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं, मैं थोड़ा थोड़ा ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि तो बहुत ज्यादा एक ही दिन पढ़ा दूंगा तो आप लोगों को वो बहुत ज्यादा ये हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा समझने में और फिर डिस्कस करने में, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही हम लोग डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर प्रियंका जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर शुभा मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर राजकुमार धवन जी नमस्ते प्रणाम आपको, आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक हैं। डॉक्टर वरुण कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर कैलाश चावला जी नमस्ते प्रणाम आपको, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद ना थोड़ा हैंग होता है, 2 मिनट रुक जाइए।
एक मिनट रुक जाइए बस। डॉक्टर मुनीश शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर नवजोत कहलान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर श्री भगवान जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर अभिलाषा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विनीता शुक्ला जी बोल रही हैं कि सर ये देश योग का कैसे डिसाइड करना है, ये 10 योग को कैसे डिसाइड करें, किन सिम्टम्स में कौन सा योग सेलेक्ट करें, इस पर मैं बताऊंगा आपको। आप थोड़ा रुक जाइए, मैं इसको एक एक प्रमेय के हिसाब से, जैसे सिकता में मैं क्या देना चाहिए, अलाल में पे क्या देना, मैं इस पर एक लेक्चर अभी लूंगा, अभी आने वाले दिन में मैं बताऊंगा आपको। सविता जी बोल रहे हैं कि सर ये जो अलग अलग कॉम्बिनेशन, उसमें एक ग्रुप एक टाइम लेना है या दो तीन ग्रुप भी ले, दो तीन ग्रुप भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एक एक कॉम्बिनेशन से आप लोगों को और स्पेसिफाई करके बताऊंगा, जो आप लोगों को चिकित्सा कॉलेजेस में नहीं बताया जाता है, ये हमारे सर ने बताया, मैं कल के लेक्चर में आप लोगों को और अच्छे से बताऊंगा, ये एक दिन का बस टाइम दे दीजिए। डॉक्टर मनोज कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सविता जी बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रही है, पित्तज प्रमेय विद यूट्राइन फाइब्रॉइड एंड मेट्रोलोजिया की संप्राप्ति कैसे भंग करे, क्या मात्रा बस्ती प्रमेय प्रमेय ही दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं, इसमें पहले कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पित्तज प्रमेय ही है ना, ठीक है, पित्तज प्रमेय है, तो इसमें आपको या तो हरिद्र में होगा या नील में होगा, काल में होगा, नील में होगा, वो पहले डिसाइड कर लीजिए। तो यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो आप व्याधि प्रतिनिधि दवाई तो देना होगा, जैसे मांस पाचक, फिर मेदो पाचक देना पड़ेगा, और मेटोरेजिया है तो मेटोरेजिया जो है वो कंटिन्यू आ रहा है, तो आप ये भी डिसाइड करिए कि इसमें अधोग्रक्त पित्त तो नहीं है, क्योंकि अधोग्रक्त पित्त होगा तो उसमें हमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्तंभन करना पड़ेगा, क्योंकि आम वाला तो रक्त निकल गया बहुत काफी हद तक, तो इसमें स्तंभन में बोलभद्र रस, पुष्यानुक चूर्ण, फिर उसके बाद में प्रद्रांतक रस, प्रद्रांतक वटी, कुटजारिष, नागकेसर चूर्ण, पुष्यानुक चूर्ण, ये सब देना पड़ेगा, और मात्रावस्थी में चंदन मला लक्षादि तेल, ये जब देंगे ना तो ये मेटोरेजिया को ठीक कर देगा। यूट्राइन फाइब्रॉइड है तो मांस पाचक, मेदो पाचक, रौद्र रस, ग्रंथि पाचक वटी, गंडमाला कंडन रस, कांचनार गुगुल, पत्र पोटली स्वेद, ये सब देना पड़ता है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। मात्रा बस्ती चंदन मला लक्षादि तेल का हमें देना है, जो पित्त का भी शमन करे, और मेटोरेजिया जो हो रहा है प्रदर, ऐसा जो कंडीशन है, फाइब्रॉइड भी हो रहा है, तो यहाँ पे वायु वायु के वजह से, वायु विभजती ऐसा जब बोलते हैं, जो वायु यंत्र तंत्र धरावात कला कल अध्याय में बताया, तो फाइब्रॉइड भी हो रहा है, तो विकृत मांस की वजह से फाइब्रॉइड बन रहा है, विकृत वात के अपान वायु की दुष्टि की वजह से मेटोरेजिया हो रहा है, हमें वायु की चिकित्सा करना है तो वहां पे बस्ती देना पड़ेगा, इसलिए चंदन मला लाक्षादि तिल का बस्ती देंगे तो पित्त संप्राप्ति में भी फायदा होगा, फाइब्रॉइड में भी फायदा होगा, मेटोरेजिया में भी फायदा होगा, वायु को फिर, और वहां पे फाइब्रॉइड जो है ना, वहां पे क्लीनता आएगी, मतलब वो सॉफ्ट हो जाएगा फाइब्रॉइड, मतलब वहां पे जब तेल 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 जाएगा ना तो फिर उसका पाचन करना इजी जाएगा, जब हम लोग मांस पाचक मेदो पाचक देंगे ना तो पूरी तरह, और कुमारी जो रहता है एलोवेरा का जो जल रहता है और गुड़, वो जब देते हैं तो फाइब्रेट जल्दी जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, वो बहुत अच्छा काम होता है। फिर उसके साथ में आप चंद्र प्रभा वटी ये भी दे सकते हैं, फिर कुबेराक्षादि वटी जो है वो फाइब्रेट को जल्दी डिसॉल्व करते हैं, लेकिन शुरुआत में नहीं देना है कुबेराक्ष, कुबेराक्ष में लता करंज रहता है, वह शुरुआत में नहीं देना है, पहले पित्त को शमन करना है और हमें मेटोरेजिया को पहले बैलेंस करना है, और उसके बाद में हमें सेकंड स्टेप में ये देना है कुबेराक्ष वटी, वो बहुत अच्छा काम करता है। ये आप केस थोड़ा मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए सविता मैम, मैं आपको और अच्छे से बता पाऊंगा, डोजेस के साथ में अच्छे से बता पाऊंगा। डॉक्टर सुनीता पाल जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सुवर्णा मैम नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर विकास जी नमस्ते प्रणाम आपको। एक एक केस जो रहता है ना बहुत अच्छा से हमें कुछ ना कुछ सिखाता है, आप सारे केसेस ले लिया करिए। चंपा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी बोल रहे हैं कि सर वसंत कुसुमाकर रस का मधुमेह में क्या अनुभव है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत सारे पेशेंट जो रहते हैं ना जो वसंत कुसुमाकर ले ले रहे हैं उनका ये अनुभव आता है, मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनका सडन वेट लॉस हुआ, बहुत ज्यादा दुर्बलता हुआ, चलने फिरने में भी तकलीफ हो रही थी, मतलब इतना ज्यादा दुर्बल हो गए थे, कृश प्रमेही हो गए थे, जब मैंने उनको वसंत कुसुमाकर रस एक एक गोली सुबह शाम देना शुरू किया, पेशेंट का ताकत बढ़ा, बल बढ़ा, काम करने में ठीक हो गए, और इसका नाम है वसंत कुसुमाकर, कुसुमाकर का मतलब क्या होता है, जो कुसुम की तरह रहता है, वसंत ऋतु, वसंत मतलब जो हमारे शरीर में खुशहाली लाता है, इस तरह से मैंने जब दिया ना तो पेशेंट का बल बढ़ा। मैंने बहुत सारे पेशेंट को जिनको डायबिटिक मैकुलोपैथी था, तो
तो मैं और वो कुरुषता भी था, सारा उपद्रव बहुत ज्यादा थे, तृष्णा था, वीकनेस बहुत ज्यादा आ रहा था, और बहुत ज्यादा नींद आ रहा था, उठने का बैठने का मन नहीं कर रहा था। उनको मैंने जो अपने चक्षुष द्रव्य वृहद्वसकति के शायद सप्तामृत लो, सूक्ष्म त्रिफला, त्रिफला गोकुल, उसके साथ में मैंने वसंत कुसुमा कर दिया, तो जल्दी जल्दी हीलिंग हुआ और जल्दी जल्दी रिजल्ट आया। जिनको मैंने वसंत कुसुमा का रस नहीं दिया उनको लेट हीलिंग हुआ। तो ये वसंत कुसुमा का रस सच में डायबिटिक रिलेटेड हर पेशेंट को फायदा करता है, बल बना के रखता है, ताकत दे देता है, एक तरह से रसायन द्रव्य। और वसंत कल्प का ये हमेशा ध्यान रखिए, 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना चाहिए, फिर 42 डेज, क्योंकि खरपर रहता है वसंत में, घटक द्रव्य जो है खरपर है, दर्द है, तो वह क्या करता है कि वह कभी कभी पित्त प्रकृति वालों को रक्त पित्त जैसे संप्राप्ति करके नाक से खून आना, दांत से खून आना, ऐसे हीट बढ़ा सकता है। इसलिए 42 डेज दे के फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज देना है, फिर ब्रेक करना है, फिर 42 डेज, ऐसे ब्रेक कर करके करेंगे तो वसंत कुसुमाकर का बेस्ट रिजल्ट आएगा। कंटिन्यू वसंत कुसुमाकर रस नहीं देना चाहिए, ऐसा जो अनुभव है और सर के पास सीखा है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर अनिल सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोल रहे हैं कि एक 8 वर्ष की महिला को 3 मास से नियमित उदरशूल रहता है, उसका हेतु मलावरोध निकला, महानारायण तेल, एरंड तेल, गौमूत्र, धन्वंतरी तेल की मात्रा बस्ती देने पर भी अभी पहले से आराम है, पहले सारा दिन दर्द होता था, अभी भी 3-4 घंटे तक दर्द रहता है, पहले मलावरोध होता था, पेट साफ होता है तभी उसका दर्द रहता है, इसका कारण क्या हो सकता है, क्योंकि उपचार करना चाहिए, अभी सूर्यशेखर रस काम देता रस शूल वज्रणी वटी कुमारी, ऐसा अभियान स्तनपान से दे रहा हूँ। इसमें आपने सब काम किया सत्यवान जी, लेकिन आपने घृत पान नहीं कराया, ऊपर से घी पिलाइए, आपने जो बस्ती दिया ना, मात्रा बस्ती दिया, उससे आपने सिग्मोइड कोलन को सॉफ्ट कर दिया, लेकिन अभी भी उनका जो सिकम एरिया है, आपने एनाटॉमी में पढ़ा हुआ सिकम एरिया, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, वो अभी भी रुक्ष है उनका, उसमें स्नेहन होना बहुत जरूरी है। और आपकी मात्रा बस्ती जो है ना, आपने जो भी दिया है वो इतना उतना कारगर नहीं हुआ कि वो पूरा स्नेहन करे, इंटेस्टाइन को पूरा स्नेहन करे, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बहुत ज्यादा रुक्षता है उनका, इसलिए पेरास्टेल्टिक मूवमेंट नहीं हो रहा है, और मलावरोध पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, मल नहीं निकल पा रहे, अपान वायु नहीं निकल पा रहे, एरंड तेल से आप 1 दिन 2 दिन निकाल देते हैं, इसीलिए सबसे बेस्ट है कि आप क्या करिए, उनको 50 to 100 ml गाय का घी का अभ्यंतर स्नेहपान शुरू करें, घी मतलब सुबह नाश्ते में, फिर दोपहर में अग्नि दीप्ति करके, जैसे लहसुन आदि वटी, शंख वटी, हिंगवाष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, दाढ़ी माष्टक चूर्ण, अजमोदादि चूर्ण, ऐसे, या कोई आसवरिष, द्राक्षासव, द्राक्षारेष, मृद्विकारेष, पुनर्नवासव, दशमलारेष, ऐसे कुमारी आसव, कुछ ना कुछ आसवरिष के साथ में अग्नि को प्रदीप्त रखे, या क्रव्याद रस, आम पाचक वटी, आरोग्य वर्धिनी वटी, ऐसे कुछ दीपन पाचन दे के, और आप आसवरिष दीजिए या कोई भी दीपन पाचन द्रव्य दे के घृत पान कराइए, एक 100 ml तक, 50 से 100 ml तक गाय का घी जाना जरूरी है, इतना स्नेहन करिए कि ऊपर से घी खा रहे हैं ना तो नीचे के गुद मार्ग से उनका घी घी आना चाहिए, तो पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है कि स्नेहन हो गया पूरा, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, कोष्ठ पूरा मृदु हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, लुब्रिकेशन कर देना है। और दूसरा आपको क्या करना है कि तक्र रखना है, जब भी आप घृत दे रहे हैं तो उसका व्यापत ना हो जाए, इसलिए 1 पाव दही और 2 लीटर पानी, उसको अच्छे से मथनी से मथ देना है, और क्योंकि क्लासिकल वाला तो होगा नहीं, हमें जो जो तक्र बनाया जाता था, जो यशोदा माँ हमेशा ऐसे करती रहती थी और मक्खन निकाल के तक्र बनाती थी, उतना टाइम नहीं है आज के स्त्रियों को, उतना टाइम नहीं है माता बहनों को, तो हमें क्या करना है, 1 पाव दही और 2 लीटर पानी, उसको मथ के या मिक्सी में घुमा के जीरा भून के डालना है, काला नमक डालना है, और उसको दिन भर में पीना है, एक एक गिलास, दो दो गिलास पीते रहे, गर्मी का दिन है तो ये तक्रम लघु कषाय अम्लम, ये रुक्ष भी रहता है, तक्रम लघु सूक्ष्म कषाय अम्लम, लघु दीपन पाचनम ऐसे बोले, तो दीपन पाचन भी कार्य करेगा, घृत को पचा भी देगा, और घृत की स्निग्धता भी ज्यादा ना हो जाए कि स्नेह का व्यापत हो, तो इसलिए वो तक्र जरूर देना है आपको, 24 घंटे में तक्र पिए, इतना बढ़िया फायदा होता है, इतना बढ़िया फायदा होता है ना, ये पेशेंट को अगर आप परमानेंट ठीक करना चाहते हैं तो लाइफ लॉन्ग उनको घृत पान कराना है 50 से 100 ml, और तक्र का सेवन लाइफ लॉन्ग कराना है, और बाकी जो आप सूर्यशेखर रस दे रहे हैं, कामधुधा रस दे रहे हैं, शूल वज्रनवटी एकदम बेस्ट है, आसवरिष्ट अभयारिष्ट दे रहे हैं, सब अच्छा है आपका, कोई भी चिकित्सा गलत नहीं है, बस ये ऐड करिए तक्र और घी का सेवन करा दीजिए। डॉक्टर संजय जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर पूजा मैम नमस्ते प्रणाम आपको, दिव्या अग्रवाल जी पूछ रहे हैं कि 42 डेज के बाद कितने दिन का ब्रेक, आप 7 दिन का दीजिए या 10 दिन का दीजिए, 7 दिन या 10 दिन इतना ब्रेक दे दीजिए, और उस बीच में वो ब्रेक के टाइम में कुछ और दवाइयां दे दीजिए, वसंत कल्प थोड़ा बेक करिए, कभी भी कोई भी दवाई हम कंटिन्यू में नहीं देना चाहिए,
नहीं तो वो ओक साथ में होता है, फिर वो मेडिसिन नहीं रहता है, वो फूड बन जाता है। हमें ना मेडिसिन, अगर मेडिसिन जैसा बनाना के रखना है, ब्रेक के बाद जब देंगे तो फिर जब देंगे ना ब्रेक के बाद, तो वो और अच्छा से काम करता है। नहीं तो वो आप कंटिन्यू एक ही दवाई देंगे ना, तो वो फिर मेडिसिन नहीं रहता, उसी के सहारे बॉडी चलने लगता है। हमें पेशेंट को वैसे डिपेंड, अभी पुणे में आप देखेंगे कितने साल तक डॉक्टर्स ना दवाई दे रहे हैं, दवाई दे रहे हैं, पेशेंट कभी ठीक ही नहीं होते, और वही वही पेशेंट आते रहते हैं। ऐसे डिपेंडेंसी नहीं बनाना है मेडिसिन का, मेडिसिन को मेडिसिन जैसे ही रखना है, आप शायद समझ गए होंगे। और एक ऐसा स्टेज आ जाता है कि हमें वसंत कुसुमाकर रस बंद करना पड़ता है, जब जरूरत नहीं होती है कि अब नहीं देना है तो नहीं देना है, हमें बंद कर देना है उनको, जब जरूरत नहीं है तो क्यों देना है। दिव्या अग्रवाल जी थैंक यू आपका, आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ और सम्मानीय चिकित्सक हैं, इतना अच्छे अच्छे लोग हैं कि क्या बताएं। डॉक्टर अनीश चौहान जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर परेश जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर सत्यवान नायक जी बोले सर जिन रोगियों को पेसमेकर डली उनकी चिकित्सा कैसे करनी चाहिए। हाँ पेसमेकर लगा हुआ है तो पेसमेकर लगे रहने दीजिए ना, उनका पेसमेकर है तो वो क्या स्टिमुलेशन नहीं मिल पा रहे उनको, जो ये जो नोड रहते हैं ना, ये क्या बोलते हैं मिट्रल वॉल वहां पे, तो हमें क्या करना है उनको रस पाचक रक्त पाचक ये दे देना है, और जब पेसमेकर का एक्सपायरी हो जाए तो वो तो चेंज करना ही पड़ता है। उनकी चिकित्सा में आप पहले सिम्टम बताइए कि उनको क्या तकलीफ क्या हो रही है, पेसमेकर है लेकिन साथ में क्या हो रहा है, श्वासा आयसन श्वास लग रहा है क्या, उनको भूख नहीं लग रही है, जैसा व्याधि वैसी चिकित्सा देना है, ठीक है। पेसमेकर डला हुआ है और उनकी चिकित्सा, हमें उससे कोई वो नहीं है, पेसमेकर अपना मशीन का काम करेगा, उससे हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर मिनल जी नमस्ते प्रणाम आपको, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी नमस्ते प्रणाम आपको। हम पेसमेकर का ऑप्शन में कोई द्रव्य देंगे ऐसा मत सोचिए, वो मशीन जो काम कर रही है वो मशीन है ही, उसका महत्व है, तो हमें उसके ऑप्शन में कोई द्रव्य नहीं देना है। उसके वजह से क्या तकलीफ हो रहा है या उसके मतलब दूसरे क्या सिम्टम है उसकी हम चिकित्सा करेंगे, ठीक है। तो अभी मुझे आज्ञा दीजिए, हम सब लोग 8:15 बजे फिर मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम, आप सब लोग भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, सबको नमस्ते बोलता हूँ, प्रणाम बोलता हूँ, नमस्ते।